बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी, आज हम स्टार्ट करेंगे। इस लेक्चर में जो पॉइंट्स हम क्लियर करेंगे उनमें नंबर 1 है पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल क्या है? नंबर 2, बेनिफिट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल, कि पीरियोडिक टेबल बनाने के फ़ायदे क्या हैं या पीरियोडिक टेबल क्यों बनाया गया, उसकी ज़रूरत क्या पेश आई। नंबर 3 है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कि पीरियोडिक टेबल जिस शक्ल में आपको आजकल नज़र आ रहा है ये इसी शक्ल में नहीं बना था, ये मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने पहले पीरियोडिक टेबल बनाने की कोशिश की और कई साइंटिस्ट ने मुख्तलिफ तरीके से क्लासिफिकेशन करके मुख्तलिफ तरीक़ों से पीरियोडिक टेबल पेश करने की कोशिश की, तो किन किन मराहल से गुजरता हुआ पीरियोडिक टेबल आप तक इस फॉर्म में आया है वो हिस्ट्री हम डिस्कस करेंगे। नंबर 4, पीरियोडिक लॉ एंड मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। हिस्ट्री में मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने अपने अपने नाम से पीरियोडिक टेबल बना के पेश किए, उनमें से सबसे ज़्यादा जो बेहतर माना गया था वो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल था, जो मेंडलीव ने पेश किया था, तो इसलिए मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल को हम डिस्कस करेंगे। और मेंडलीव ने अपना पीरियोडिक टेबल जिस बेस पे पेश किया था वो था पीरियोडिक लॉ, तो मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ और उसका पीरियोडिक टेबल वो हम डिस्कस करेंगे। नंबर 5 है फॉल्ट्स इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में जो फॉल्ट्स थे, जो ड्रॉबैक्स थे, वो क्या हैं। नंबर 6, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में कुछ इम्प्रूवमेंट्स करके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपको दिया गया जो आपके पास इस वक्त मौजूद है। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं जी। चैप्टर में सबसे पहले इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन के अंदर आपने दो ही पॉइंट्स याद करने हैं, एक पीरियोडिक टेबल क्या है, दूसरा पीरियोडिक टेबल का फ़ायदा क्या है या पीरियोडिक टेबल क्यों बनाया गया। तो पहला पॉइंट जो आपने याद करना है इंट्रोडक्शन में से वो है पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल क्या है? जब कभी आप टेबल का लफ्ज़ सुनते हैं तो आपके दिमाग में मेज़ का इमेज बनता है कि टेबल जो है वो मेज़ को कहते हैं, लेकिन यहाँ हमारे पास पीरियोडिक टेबल है। पीरियोडिक टेबल कैसा होता है? पीरियोडिक टेबल आपके टाइम टेबल जैसा होता है। ये मैंने एग्जाम्पल दी है समझाने के लिए कि जिस तरह टाइम टेबल के अंदर हम एक सब्जेक्ट को मेंशन कर देते हैं कि इस सब्जेक्ट का लेक्चर नंबर 1 होगा और मंडे को होगा, तो अब यहाँ पर इस फॉर्म में आपको टाइम टेबल बना के देने से ये फ़ायदा हो जाता है कि अकेला अकेला हर सब्जेक्ट का हर हर दिन का लिखना नहीं पड़ता। हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल रो होती है और एक वर्टिकल कॉलम होता है। आपने अपने कॉलेज का टाइम टेबल देखा होगा, हॉरिजॉन्टल रो में डेज मेंशन होते हैं, यानी कि सबसे पहले ऊपर एक लाइन होती है, इसमें मंडे लिखा होता है और मंडे के सारे लेक्चर लिखे होते हैं, और फिर नीचे ट्यूसडे, वेडनेसडे, इस तरह। तो मंडे का एक दिन है और उसके आगे सारे उसके लेक्चर्स मेंशन है। अब पहला लेक्चर है, आप पहले लेक्चर के नीचे देखते हैं पहला लेक्चर किसका है, फिर दूसरा है उसमें नीचे देखते हैं, फिर तीसरा, चौथा, पाँचवा, इसी तरह। अब ये एक समराइज वे है, छोटा तरीकाकार है एक पैटर्न को शो करने के लिए कि यहाँ पर हमारे पास लेक्चर नंबर 1 मंडे को इस सब्जेक्ट का है, ट्यूसडे को इस सब्जेक्ट का है, तो इजी हो जाता है। इसी तरह पीरियोडिक टेबल भी अरेंजमेंट है, उसमें हमने किसको अरेंज किया हुआ है, एलिमेंट्स को। जो आपका टाइम टेबल है उसमें हमने सब्जेक्ट्स को अरेंज किया हुआ है। तो पीरियोडिक टेबल बेसिकली एक हॉरिजॉन्टल रो और वर्टिकल कॉलम की फॉर्म में अरेंजमेंट है। किसका अरेंजमेंट है? एलिमेंट्स का। तो अब आपको पीरियोडिक टेबल की डेफिनेशन समझा देते हैं। पीरियोडिक टेबल की डेफिनेशन ये है, द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर इन हॉरिजॉन्टल रोज। एक हॉरिजॉन्टल रो है, उसमें हमने एलिमेंट्स को अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, यानी जिसका एटॉमिक नंबर कम है वो पहले, फिर उसके बाद जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है उसको लिखेंगे, फिर उसके बाद जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है उसको लिखेंगे। जिस तरह आपके टाइम टेबल में हम मंडे में पहला लेक्चर मेंशन करते हैं, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, अब हमने इन लेक्चर्स को अरेंज किया होता है।
अब हमने किस लिहाज से उन लेक्चर्स को अरेंज किया है, फर्ज कर लेते हैं, एग्जाम्पल देते हैं। हमने इस लिहाज से अरेंज किया है कि जी जो सबसे बोरिंग सा सब्जेक्ट है, टफ सा, उसको पहले पढ़ा दें, जैसे केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, तो पहले साइंस सब्जेक्ट्स के लेक्चर रख देते हैं, और जो इस्लामियात, उर्दू और पीएस वगैरह इजी लेक्चर जो होते हैं उनको एंड पे मेंशन कर देते हैं, एंड वाले लेक्चर्स उनमें हम जो है वो काउंट करते हैं। तो हमने जो टाइम टेबल बनाया था उसमें हॉरिजॉन्टल रो में क्या किया था, सब्जेक्ट्स अरेंज किए थे। किस लिहाज से अरेंज किए थे हमने उसको, उसकी इस लिहाज से अरेंज किया कि कौन सा सब्जेक्ट टफ है, कौन सा इजी है, किस में बच्चे जो है वो सो रहे होते हैं, किस में बच्चे जाग रहे होते हैं, उस लिहाज से हमने उसे अरेंज कर दिया। तो इसी तरह पीरियोडिक टेबल में हमने एलिमेंट्स को अरेंज करना है, लेकिन अपनी मर्जी से तो नहीं अरेंज कर सकते, कोई एक स्पेसिफिक पैटर्न होना चाहिए जिसकी बुनियाद पर हमने एलिमेंट्स को अरेंज करना है। तो वो पैटर्न क्या है, वो है उसका एटॉमिक नंबर। इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर का मतलब ये है कि पहले कम एटॉमिक नंबर वाला, फिर उससे ज्यादा एटॉमिक नंबर वाला, फिर उससे ज्यादा एटॉमिक नंबर वाला, इस तरह हमने एलिमेंट्स को एक रो में अरेंज कर दिया। फिर जब एक लिमिट क्रॉस हो गई, मतलब एक खास हद तक एटॉमिक नंबर हो गया, उसके बाद नया जब एटॉमिक नंबर आया तो हमने उसको दोबारा नीचे एक रो में शुरू कर दिया। अब नीचे जब हमने एक दूसरी रो बना के उसमें शुरू कर दिया, तो फिर उसके बाद वो रो फिल हुई, फिर उसके बाद एक नया कोई एलिमेंट आया, उसका एटॉमिक नंबर हमने नीचे तीसरी रो बना दी। अब हमें ये कैसे पता चला कि अब यहां पर जाके हमें एक रो खत्म करके नीचे अब नई रो बनानी चाहिए, ये हमें पता चलता है शेल से। यानी जब एक शेल कंप्लीट हो जाता है, जब नया शेल स्टार्ट होता है, तो हम नई रो से स्टार्ट करते हैं, ताकि हमें इस तरह अरेंजमेंट मिले कि जो ऊपर नीचे एक दूसरे के रोज में एलिमेंट आ रहे हैं, उन एलिमेंट के आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद एक जैसी हो। तो इसलिए हमने पहली जो है पीरियोडिक टेबल की डेफिनेशन में लाइन लिखी है वो यही है, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर इन हॉरिजॉन्टल रोज। फिर उसके बाद मैंने आपको ये एक्सप्लेनेशन दे दी कि हमें एक रो जब फिल हो जाती है, मुकम्मल हो जाती है, फिर नई रो उसके नीचे से स्टार्ट करते हैं। तो उसमें हमने किस तरह उसे स्टार्ट करना है, इन सच अ वे दैट एलिमेंट विद सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल अपीयर इन वर्टिकल कॉलम, कि जिन एलिमेंट्स के आउटर शेल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक दूसरे के नीचे वर्टिकल फॉर्म में हमें नजर आए। ये पीरियोडिक टेबल की डेफिनेशन है। पीरियोडिक टेबल का फायदा वो मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ। पीरियोडिक टेबल का फायदा ये है कि अगर हम एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल की फॉर्म में अरेंज नहीं करते, सारे एलिमेंट्स अलग अलग पड़े हुए हैं, तो हमें हर एलिमेंट के बारे में अलग अलग जानना पड़ेगा। जिस तरह मैंने सब्जेक्ट्स के बारे में बताया है कि अगर हम आपको टाइम टेबल नहीं बना के देते, हम कहते हैं जी केमिस्ट्री का लेक्चर है, आपको ढूंढना पड़ेगा जी केमिस्ट्री का लेक्चर मंडे को किस दिन होता है, ट्यूजडे को किस दिन होता है, और फिर इस तरह आईएएस का लेक्चर है, उर्दू का लेक्चर है, तो आपको केला केला लेक्चर के बारे में सारा कुछ लहदा लहदा जानना पड़ेगा। अगर हम एक टेबल बना देंगे तो उसमें आपको एक टेबल से ही सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो पीरियोडिक टेबल बनाने से ये फायदा हो जाता है कि द पीरियोडिक टेबल हैज शॉर्टेन द इंडिविजुअल स्टडी ऑफ एलिमेंट, कि हमें हर एलिमेंट की इंडिविजुअल स्टडी नहीं करनी पड़ती, हमें किसकी स्टडी करना पड़ती है, एक ग्रुप की। हम ऊपर से देख लेते हैं कि फर्स्ट लेक्चर पूरे वीक में देख लेते हैं, फर्स्ट लेक्चर किसका है, फर्स्ट लेक्चर पूरे वीक में केमिस्ट्री का है। फिर सेकंड लेक्चर देख लेते हैं, वो देख लेते हैं जी पूरे वीक में 4 दिन फिजिक्स का है, फिर 2 दिन आईएएस का है। तो हमें पूरे सब वीक के हर हर चीज को स्टडी करने की जरूरत नहीं पड़ती, हम एक ग्रुप को स्टडी कर लेते हैं ऊपर से लेके नीचे तक। हमें पता चल जाता है कि एक ग्रुप में सिमिलैरिटीज कहाँ कहाँ पर हैं। तो ऐसे ही पीरियोडिक टेबल में हम बनाने का सबसे बड़ा फायदा ये मिल जाता है कि पीरियोडिक टेबल जब बन जाएगा तो हमें हर एलिमेंट को इंडिविजुअली स्टडी नहीं करना पड़ेगा, हम उसके एक ग्रुप को स्टडी कर लेते हैं। तो हम कहते हैं कि ग्रुप में, हमने कहा था कि ग्रुप ऊपर से नीचे को टॉप टू बॉटम होता है, और ऊपर से नीचे एलिमेंट के आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद सेम है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी तकरीबन सेम होगी पूरे ग्रुप में ऊपर से नीचे तक। तो इस तरह हमें ये फायदा हो जाता है कि हमें हर हर एलिमेंट को इंडिविजुअली स्टडी नहीं करना पड़ता। पीरियोडिक टेबल बनाने का दूसरा फायदा भी आपको पहले वाले के साथ जोड़ के समझा दिया गया है। दूसरा फायदा ये है कि जो एलिमेंट्स होंगे, एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप, ग्रुप होता है टॉप टू बॉटम वर्टिकल, एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप हैव मोस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज सेम,
कि एक ग्रुप में जो प्रॉपर्टीज होंगी वो तकरीबन सेम होंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज। क्यों सेम होंगी? क्योंकि हमने अरेंज ही इस लिहाज से किया है कि जिन एलिमेंट के आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद एक जैसी है वो एक दूसरे के नीचे आए। तो जब आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद एक जैसी है तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी तकरीबन सेम ही होंगी। तो ये पीरियोडिक टेबल को बनाने के दो बड़े फायदे हैं जिसकी वजह से पीरियोडिक टेबल बनाया गया। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में से भी शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज ही बन सकते हैं, तो वो मैंने साथ साथ मेंशन किए हुए हैं। इंट्रोडक्शन के बाद हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आता है कि पीरियोडिक टेबल बनाने के लिए किस किस साइंसदान ने कोशिशें की और उसने कोशिश करके पीरियोडिक टेबल बनाने के लिए क्या काविश की, किस बुनियाद पर पीरियोडिक टेबल बनाया, किस तरह का पीरियोडिक टेबल बना के दिया। तो सबसे पहले अल राजी, अल राजी जो साइंटिस्ट था उसने क्लासिफिकेशन की एलिमेंट्स की, किस बुनियाद पर की, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, के एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को देख के उसने उन्हें अरेंज किया। जैसे गैसेज हैं, जितनी भी गैसेज हैं सेपरेट कर ली, जितनी भी मेटल्स हैं सेपरेट कर ली, जितनी भी नॉन मेटल्स हैं सेपरेट कर ली, तो ये एलिमेंट की फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। इसी तरह एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को देखते हुए उसने एलिमेंट्स को डिफरेंट ब्लॉक्स में सेपरेट कर दिया, तो इस तरह उसे क्लासीफाई किया। तो ये अल राजी ने इस तरह पीरियोडिक टेबल अपना बनाने की कोशिश की। तो ये उसने क्लासिफिकेशन की, पीरियोडिक टेबल नहीं बनाया उसने, कोई टेबल नहीं उसने कोई बनाया, उसने सिर्फ ग्रुप्स बना दिए कुछ के, ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी सेम रखने वालों का ग्रुप है, कुछ ये केमिकल प्रॉपर्टी सेम रखने वालों का ग्रुप है, तो कई ग्रुप बना दिए उसने, उसने कोई पीरियोडिक टेबल की फॉर्म नहीं बना के दी। इसी तरह डोब्रिनियर था एक साइंटिस्ट, वो एक जर्मन केमिस्ट था, उसने 1829 में ट्राइएड का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया। ट्राइएड क्या है? ट्राइएड में उसने ये कहा कि तीन एलिमेंट्स हैं, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं लिथियम सोडियम और पोटाशियम लिखा हुआ है, लिथियम का एटॉमिक मास मेंशन है, सोडियम का है और पोटाशियम का है। उसने ट्राइएड में ये कॉन्सेप्ट दिया कि जो दो ऊपर और नीचे वाले एलिमेंट्स हैं उनका एटॉमिक मास लेके उसका एवरेज लेंगे तो दरमियान वाले का मास आ जाएगा। जैसे 7 और 39 का एवरेज लिया, दोनों को प्लस किया, 2 पे डिवाइड कर दिया, 23 आ गया। तो ट्राइएड में उसने ये कॉन्सेप्ट दिया था कि जो दरमियान वाला एलिमेंट है उसका मास साइडों वाले या ऊपर वाले दोनों एलिमेंट्स का मास लेके उसका एवरेज लेंगे तो दरमियान वाले का मास निकल आएगा। तो इसकी तीन एग्जांपल्स दी हुई हैं, तो नियर अबाउट सेम ही मास निकलता है। तो ये ट्राइएड कॉन्सेप्ट उसने दिया था, उसने भी कोई टेबल की फॉर्म नहीं बनाई, बस इस तरह कुछ कुछ एलिमेंट्स के अंदर ट्राइएड जो है वो इंट्रोड्यूस करवा के उसने हमें बता दिया कि ये ट्राइएड्स हैं। तो पीरियोडिक टेबल इसने भी नहीं बनाया, टेबल नहीं बनाया इसने कोई। फिर तीसरा बंदा था न्यूलैंड्स। कई साइंटिस्ट हैं जो मेजर आपको समझाने के लिए जरूरी समझे जाते हैं, वही आपकी बुक में मेंशन है। तो इस बंदे ने क्या किया, ये एक इंग्लिश केमिस्ट था, इसने 1864 में जितने भी एलिमेंट उस वक्त डिस्कवर थे, उस वक्त हमारे पास सिर्फ 62 एलिमेंट्स थे, उन एलिमेंट्स को उसने अरेंज करने की कोशिश की इन इंक्रीजिंग एटॉमिक मास एंड नोटिस्ड एवरी 8 एलिमेंट हैज सेम प्रॉपर्टीज कॉमन विद फर्स्ट। उसने टेबल की फॉर्म तो नहीं बनाई लेकिन कोई अरेंजमेंट लीनियर फॉर्म में अरेंज करने की कोशिश की उसे, और उसने मैं बताया कि पहले 8 एलिमेंट के बाद जो 9वां एलिमेंट आता है उसकी प्रॉपर्टीज पहले के जैसी मैच होती हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ लिथियम की, लिथियम अगर आप लिखें, लिथियम के बाद बाकी आप सारे एलिमेंट्स लिखें, 8 एलिमेंट्स आएंगे, उसके बाद 9वां एलिमेंट आएगा सोडियम, सोडियम लिथियम के नीचे लिखा हुआ है न्यू पीरियोडिक टेबल में। तो इसने भी यही चीज़ ऑब्जर्व की कि लिथियम के बाद 8 एलिमेंट जब पूरे रहते हैं 9वां एलिमेंट सोडियम आता है और सोडियम की प्रॉपर्टीज लिथियम के साथ मैच होती हैं। तो इसने इन 8 एलिमेंट्स के बाद 9वें एलिमेंट्स जो 9th एलिमेंट रहता है उसकी प्रॉपर्टीज का फर्स्ट के साथ रिजेंबलेंस होने की वजह से इसको लॉ ऑफ ऑक्टेव्स का नाम दिया। ऑक्टेव्स लफज ऑक्टा से निकला है, 8 से, तो उसने इसे लॉ ऑफ ऑक्टेव्स का नाम दिया। और इस तरह उसने भी एलिमेंट्स को कुछ अरेंज करने की कोशिश की। फिर आता है मेंडलीव। मेंडलीव जो है एक रशियन केमिस्ट था, उसने 1871 में एक रेगुलर कंप्रीहेंसिव पीरियोडिक टेबल बनाने की कोशिश की, और ये
हिस्ट्री में पहला वो बंदा था जिसने टेबल की फॉर्म में इंट्रोड्यूस करवाया एलिमेंट को क्लासिफाई करके। तो पीरियोडिक टेबल का पहला कॉन्सेप्ट ही इसकी वजह से है। जब आप पीरियोडिक टेबल की हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आपको हिस्ट्री में बाकी साइंटिस्ट का नाम कम मिलेगा, सबसे ज्यादा मेंडलीव का मिलेगा। क्यों? क्योंकि मेंडलीव ही वो बंदा था जिसने टेबल की फॉर्म में अरेंज किया। उससे पहले टेबल का कॉन्सेप्ट नहीं था किसी के पास, किसी ने अरेंज किया किसी लिहाज से लाइन में बना दिया, ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन टेबल का कॉन्सेप्ट पहला इसने दिया था। तो मेंडलीव ने एक कॉम्प्रिहेंसिव पीरियोडिक टेबल बना के दिया उस दौर में। मेंडलीव ने हमें एक पीरियोडिक टेबल बना के दिया, उस पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को अरेंज किया। अब एलिमेंट्स को अगर अरेंज किया है तो डेफिनेटली किसी ना किसी बुनियाद पर ही अरेंज किया होगा। उस वक्त एटम के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन थी हमारे पास, उससे हम सिर्फ एटम के मैस तक पहुंचे थे, एटॉमिक मैस तक। एटॉमिक नंबर उस वक्त डिस्कवर नहीं था, तो इसलिए मेंडलीव की अकल सिर्फ एटॉमिक मैस तक ही गई। उसने क्या किया, एलिमेंट्स को एटॉमिक मैसेज के लिहाज से अरेंज किया। अरेंज करने के बाद उसने एक टेबल बनाया। उसने क्या किया, उसने इस तरह किया कि एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज वाज अरेंज्ड इन 8 वर्टिकल कॉलम। उसने उन एलिमेंट्स को 8 वर्टिकल कॉलम्स में अरेंज किया। एटॉमिक मास उस वक्त डिस्कवर था, तो एटॉमिक मास के लिहाज से ही उसने उन एलिमेंट्स को अरेंज करना शुरू किया और 8 ही वर्टिकल कॉलम बनाए इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मैसेज। अब ऑर्डर दो तरह का होता है, असेंडिंग और डिसेंडिंग। असेंडिंग का मतलब होता है कम से ज्यादा की तरफ, और डिसेंडिंग का मतलब होता है ज्यादा से कम की तरफ, ऊपर से नीचे उतरना। तो उसने, यानी आप इसको यही समझ सकते हैं कि इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, यानी कम एटॉमिक मास वाला पहले, ज्यादा एटॉमिक मास वाला बाद में, फिर उससे ज्यादा एटॉमिक मास वाला उससे बाद में। तो इस तरह उसने क्या किया, 8 वर्टिकल कॉलम्स में एलिमेंट्स को एटॉमिक मैसेज की बुनियाद पर अरेंज कर दिया। तो मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल बना के आपको दे दिया, पहला कंप्रीहेंसिव टेबल मेंडलीव ने बनाया था। उसके बाद उसको पता था कि कुछ ना कुछ एलिमेंट्स ऐसे मौजूद हैं जिनका हमें पता ही नहीं है, यानी कुछ एलिमेंट्स देखे वो डिस्कवर नहीं थे उस वक्त। उसने देखा कि एक मास आ गया, फर्ज कर लें 12 आ गया, 13 आ गया, 14 है, 15 मिसिंग है, 16 आ रहा है। तो उसने सोचा कि यहाँ पर कोई ना कोई एलिमेंट होना जरूर चाहिए। तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट उसके जेहन में था कि कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट ऐसा यहाँ पर मौजूद है अभी जो डिस्कवर नहीं हुए। जितने भी एलिमेंट उस वक्त डिस्कवर हुए थे उसने उनको अरेंज कर दिया, लेकिन ही वॉज श्योर अबाउट डिस्कवरी ऑफ सम एलिमेंट्स। कुछ एलिमेंट्स उस वक्त डिस्कवर नहीं हुए थे, वो उसके बारे में श्योर था कि लाजमी डिस्कवर होंगे, और उसने अपने टेबल के अंदर उनके लिए खाली जगह छोड़ दी थी। फॉर एग्जाम्पल जर्मेनियम है, वो उस वक्त मालूम नहीं था। फिर उसने क्या किया, उसको शॉर्टी थी इस बात की कि ये फाइंड आउट हो जाएगा, तो उसने उसकी जगह खाली छोड़ दी पीरियोडिक टेबल में। फिर जब उसने पीरियोडिक टेबल बनाया, तो पीरियोडिक टेबल के लिए मैंने आपको कहा कि कोई ना कोई बेस होनी चाहिए कि किस बुनियाद पर आप अरेंज कर रहे हैं। उस वक्त एलिमेंट्स के एटॉमिक मैसेज ही पता थे, तो उसने एक लॉ पहले पेश किया। उसने कहा कि ये मेरा कानून है, इस कानून के तहत मैं पीरियोडिक टेबल बनाऊंगा। उसने जो कानून पेश किया उसको पीरियोडिक लॉ का नाम दिया। वो पीरियोडिक लॉ ये कहता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज, कि हम एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करते हैं वो प्रॉपर्टीज एटॉमिक मैसेज के लिहाज से ही एक्सप्लेन होती हैं। उनमें जो चीज उस वक्त हमें मालूम थी वो एटॉमिक मास ही था, एटॉमिक नंबर तो उस वक्त था ही नहीं। तो इसलिए सबसे बेसिक चीज जो उसके पास थी वो एटॉमिक मास था। तो उसने एक लॉ पेश कर दिया जिसका नाम हमें बताया गया पीरियोडिक लॉ। उसने कहा कि जो एलिमेंट की प्रॉपर्टीज में चेंज आता है, पीरियोडिक फंक्शन का मतलब यह है खास पीरियड के बाद, एक खास ड्यूरेशन के बाद चेंज आके प्रॉपर्टीज पहले के साथ मैच हो जाती हैं। तो ये जो चेंज हम एक्सप्लेन करते हैं ये किस बुनियाद पर एक्सप्लेन करते हैं, ये एटॉमिक मैसेज की बुनियाद पर एक्सप्लेन करते हैं। अगेन मैं बता देता हूं, मेंडलीव ने एक पीरियोडिक लॉ दिया, एक कानून बना के दिया, उस कानून के तहत उसने पीरियोडिक टेबल बनाया था। वो कानून ये कहता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज, कि अगर हम एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर रहे हो तो एलिमेंट की प्रॉपर्टीज में जो एक सिमिलैरिटी या रेगुलैरिटी पाई जाती है
ये कुछ एलिमेंट्स गुजरने के बाद जो नया एलिमेंट आता है उसकी प्रॉपर्टीज पहले जैसी होती हैं, तो ये जो चीज़ हम एक्सप्लेन करते हैं ये हम एटॉमिक मैसेज की बुनियाद पर एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि उस वक्त एलिमेंट का एटॉमिक मैस ही डिस्कवर था। तो उसने एक ये लॉ पेश किया कि एलिमेंट्स को अगर हमने अरेंज करना है, अगर हमने एलिमेंट्स को एक टेबल की फॉर्म देनी है, तो हम उसे एटॉमिक मैसेज की बुनियाद पर ही ये फॉर्म दे सकते हैं। फिर उसने ये बात हमें बताई कि जो वर्टिकल कॉलम्स बनते हैं ऊपर से नीचे को, जिसे हम पहले भी बोल के आए हैं लफ्ज ग्रुप का, उन्हें ग्रुप कहते हैं। ये उसने वहां पर इंट्रोड्यूस कराया अपने पीरियोडिक टेबल के अंदर कि जो ऊपर से नीचे को ये वर्टिकल कॉलम बनते हैं उन कॉलम्स को ग्रुप कहते हैं। फिर उसने बताया कि जो हॉरिजॉन्टल रोज बनती हैं लीनियर फॉर्म में उनको पीरियड्स कहते हैं। तो ये दो कॉन्सेप्ट ये भी वहां पर उसने बताया कि ग्रुप क्या है और पीरियड क्या है। डेफिनेटली अगर टेबल बनेगा तो ही ग्रुप और पीरियड का कॉन्सेप्ट आएगा, अदरवाइज तो ग्रुप और पीरियड का कॉन्सेप्ट ही नहीं होगा, क्योंकि अगर टेबल ही नहीं बन रहा तो ग्रुप और पीरियड कहाँ से आ जाएंगे। फिर मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल जो उस वक्त उसने बना के दिया, उस वक्त जब उसने पेश किया तो ठीक था। क्यों? क्योंकि उस वक्त कुछ चीजें एलिमेंट्स के बारे में, एटम्स के बारे में हमें पता ही नहीं थी, जैसे एटॉमिक नंबर नहीं उस वक्त पता था, एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, तो इसलिए मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल देख के उसके बल्ले बल्ले होगी वाह जी वाह मेंडलीव ने बड़ा काम किया। लेकिन जैसे ही कोई नई चीज डिस्कवर हुई तो हमें उसके अंदर फॉल्ट नजर आना शुरू हो गए, और उसके अलावा नई चीज की डिस्कवरी के अलावा भी कुछ छोटे छोटे फॉल्ट थे उसमें। जैसे जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था वो एटॉमिक मैसेज के ऊपर उसने उसकी बुनियाद रख के बनाया, और दूसरी बात ये थी एटॉमिक मैसेज जो हैं वो तो रेगुलरली इंक्रीज ही नहीं होते। अगर आप पीरियोडिक टेबल को अभी भी पकड़ के देख लें तो आपको कुछ एलिमेंट्स में नजर आएगा कि कुछ कुछ एटॉमिक मैस दरमियान में से मिसिंग है। यानी आप पीरियोडिक टेबल उठाएं और वहां से देखें 1 एटॉमिक मैस 2 3 4 किस किस का कितना कितना एटॉमिक मास है। तो अब अगर आप देखेंगे आपके पास सबसे पहला हाइड्रोजन एटम है, इसका मास 1.008 amu लिखा हुआ है, और उसके बाद क्या आता है हीलियम। अगर आप हीलियम का मास चेक करें वो कितना है, तो आप देख लें इसमें कुछ मास मिसिंग है, यानी कि जो एटॉमिक मास है वो रेगुलरली इंक्रीज नहीं होता। तो सबसे पहला ड्रॉबैक ये था कि आपको कैसे पता चलेगा कि 1 के बाद 4 आ रहा है, 2 और 3 एटॉमिक मास वाले एटम है ही नहीं, या होंगे या नहीं होंगे। तो एटॉमिक मास रेगुलरली इंक्रीज ना होने की वजह से ये उसमें एक ड्रॉबैक आ गया कि हमें कैसे पता चलेगा कौन सा एटॉमिक मास वाला एलिमेंट डिस्कवर होगा या कौन सा नहीं डिस्कवर होगा। जैसे मेंडलीव जर्मेनियम के बारे में शोर था कि जर्मेनियम डिस्कवर होगा, तो उसके पास इस चीज की श्योरिटी क्यों नहीं थी कि 1 एटॉमिक मास हाइड्रोजन का है, 2 किसी का भी नहीं है, 3 किसी का भी नहीं है, 4 है हीलियम का, तो 2 और 3 वाले क्यों डिस्कवर नहीं हो सकते। तो उसके पास इसका कोई जवाब नहीं था। तो ये जवाब क्यों नहीं था, ये इसी वजह से नहीं था क्योंकि एटॉमिक मास रेगुलरली इंक्रीज नहीं होता। दूसरा जो ड्रॉबैक था या फॉल्ट था मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में, वो ये था कि मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल एटॉमिक मास पे मुश्तमिल था, एटॉमिक मास की बुनियाद पर बनाया गया था। एटॉमिक मास तो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है ही नहीं, यानी एलिमेंट की जो बुनियादी प्रॉपर्टी है, एटम की जो बुनियादी करेक्टरिस्टिक है, वो एटॉमिक मास नहीं है, वो एटॉमिक नंबर है। एटम की पहचान एटॉमिक नंबर से होती है, एटॉमिक मास से नहीं होती। तो इसने तो एटॉमिक मास के लिहाज से अरेंज किया था, दूसरा ड्रॉबैक ये आ गया। तीसरा फॉल्ट ये था कि इसके पीरियोडिक टेबल में आइसोटोप्स की पोजीशन एक्सप्लेन नहीं की हुई थी। अब मैं तीसरे ड्रॉबैक को जरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। मेंडलीव ने एलिमेंट्स को अरेंज किया, पीरियोडिक टेबल बनाया, किस बुनियाद पर, एटॉमिक मैसेज की बुनियाद पर। अब एक एटॉमिक मास के लिए एक ही बॉक्स होगा, जैसे फर्ज कर लेते हैं 14 एटॉमिक मास है, 14 एटॉमिक मास के लिए एक ही बॉक्स फिक्स किया गया होगा। अब उस 14 एटॉमिक मास वाले बॉक्स में हम नाइट्रोजन को रखेंगे या कार्बन को रखेंगे। मिसाल के तौर पर कार्बन के 3 आइसोटोप हैं, कार्बन 12, 13 और 14। इस तरह एक कार्बन के लिए तो फिर हमें 3 बॉक्स बनाने पड़ेंगे। फिर जो 14 वाला बॉक्स है उसमें हम कार्बन 14 को रखेंगे या नाइट्रोजन को रखेंगे। तो ये चीज क्लियर नहीं हो पाई मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में, क्योंकि उस वक्त
मेंडलीव जो है वो एटॉमिक मैसेस के बारे में ही जानता था, एटॉमिक नंबर के बारे में नहीं जानता था, तो आइसोटोप्स का कोई इतना ज्यादा उस वक्त रुझान नहीं था, तो वो इसको बना नहीं पाया ना वो इसे एक्सप्लेन कर पाया। आइसोटोप्स के बारे में ये मैं बात दोबारा बता देता हूँ कि अगर एक 14 एटॉमिक मैस वाला बॉक्स है तो उस 14 वाले बॉक्स के अंदर हम नाइट्रोजन को रखेंगे या कार्बन 14 को रखेंगे। कार्बन 14 का मतलब है ऐसा कार्बन जिसका मैस 14 है, आपको आइसोटोप्स का कॉन्सेप्ट होगा चैप्टर नंबर 1 में फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा था। तो अब ये आइसोटोप्स की पोजीशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। चौथा जो फॉल्ट था, जो ड्रॉबैक था, वो ये था, इट डज नॉट एक्सप्लेन द रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मैसेज ऑफ एलिमेंट्स। यानी वही बात के जहां से आपका दिल करता है कुछ एटॉमिक मैस आप छोड़ देते हैं, जहां पर दिल करता है आप कह देते हैं कि यहां पर एलिमेंट डिस्कवर होगा, जहां पर दिल करता है कहते हैं यहां नहीं होगा। तो इस रॉन्ग ऑर्डर को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इंप्रूवमेंट्स इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में क्या क्या इंप्रूवमेंट्स की गई, तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। फिर उसके बाद इंप्रूवमेंट्स हुई, मेंडलीव ने अपना पीरियोडिक टेबल दे दिया, हिस्ट्री के अंदर उसका काम अब खत्म हो गया। अब उसके बाद इंप्रूवमेंट हुई उसके पीरियोडिक टेबल में, क्यों? क्योंकि टेबल का तो पहला कॉन्सेप्ट ही मेंडलीव ने दिया था, फिर जब कोई नई डिस्कवरी हुई तो फिर उसमें उसके पीरियोडिक टेबल में कुछ इंप्रूवमेंट्स करके एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया गया। तो हमारे पास पीरियोडिक टेबल एक पहले था जो मेंडलीव का था, जो अब हमारे पास पीरियोडिक टेबल है उसको हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं। तो 1911 में एच मूजले एक साइंटिस्ट था, उसने एटॉमिक नंबर डिस्कवर किए और उसने एक नया पीरियोडिक ला दिया। जो पहले पीरियोडिक ला था उसको सिर्फ पीरियोडिक ला का नाम दिया था, जो एच मूजले ने बनाया था उसने उसको मॉडर्न पीरियोडिक ला का नाम दिया कि ये मॉडर्न है, जदीद है, नया है। अब उसने इस पीरियोडिक लॉ को किस तरह डिफाइन किया, उसने इस पीरियोडिक लॉ को इस तरह डिफाइन किया कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। जो पहले हमने पीरियोडिक लॉ पढ़ा है उसमें हमने ये कहा था कि एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज हैं वो पीरियोडिक फंक्शन है एटॉमिक मास का। अब हम पढ़ रहे हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो एच मूजले ने दिया है, उसमें हम ये कह रहे हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। तो हमने ये बात कही कि एलिमेंट की प्रॉपर्टीज में जो पीरियोडिसिटी आती है, सिमिलैरिटी आती है, रिपीटिशन आती है कि एक खास नंबर में एलिमेंट गुजरने के बाद जब नेक्स्ट एलिमेंट आता है उसकी प्रॉपर्टीज पहले के साथ मैच होती हैं, तो ये जो चीज अगर हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो ये हम एटॉमिक नंबर के लिहाज से एक्सप्लेन कर सकते हैं, एटॉमिक मास के लिहाज से नहीं। तो ये एक मॉडर्न पीरियोडिक लॉ था जो एच मूजले ने हमें बना के दिया था। एच मूजले ने जब मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पेश किया तो उसने उसमें एक बात अखज करके हमें बताई, उसने ये बात बताई कि एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास की निस्बत ज्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसी भी एटम के लिए। तो जब ये बात बताई गई कि एटॉमिक नंबर इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी, तो जब एटॉमिक नंबर ही ज्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है तो फिर एटॉमिक मास को हम अरेंजमेंट के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो चौथी बात जो है वो फिर ये सामने आती है कि एटॉमिक मास कैन नॉट सर्व एज बेस फॉर द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, के एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए जो बुनियाद है वो एटॉमिक मास कभी भी नहीं हो सकती। सो एलिमेंट मस्ट बी अरेंज अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर रेदर देन एटॉमिक मास। कि हमें पीरियोडिक टेबल अगर बनाना है तो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के लिहाज से अरेंज करना चाहिए, एटॉमिक मास के लिहाज से नहीं करना चाहिए। हेंस पीरियोडिक टेबल वाज इंप्रूव्ड। तो पहली इंप्रूवमेंट जो पीरियोडिक टेबल में की गई थी वो इस तरह की गई थी, बाय अरेंजिंग द एलिमेंट इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। तो पहली जो इंप्रूवमेंट पीरियोडिक टेबल में मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में की गई थी उसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाने के लिए, वो ये थी कि मेंडलीव के अरेंज्ड एलिमेंट्स जो कि एटॉमिक मास के लिहाज से अरेंज थे उसको एटॉमिक नंबर के लिहाज से अरेंज करना शुरू कर दिया गया। इफ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, देयर केमिकल प्रॉपर्टीज रिपीट इन पीरियोडिक मैनर। पीरियोडिक मैनर का मतलब यह है, पीरियड का मतलब होता है एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन, एक टाइम ड्यूरेशन।
तो एक खास टाइम ड्यूरेशन के बाद, पीरियोडिक मैनर का मतलब है खास पीरियड के बाद जो एलिमेंट्स आते हैं उनकी प्रॉपर्टी पहले वाले के साथ मैच हो जाती है, जिस तरह लिथियम की सोडियम के साथ मैच होती है। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, फिर उसके बाद बेरिलियम आता है, बोरोन आता है, फिर उसके बाद कार्बन आता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और उसके बाद आता है जी नियोन। तो इस तरह उसके बाद आता है सोडियम। तो नियोन के आगे सोडियम को नहीं लिखा, सोडियम को लिथियम के नीचे लिखा है क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज लिथियम के साथ मैच होती थी। तो ये एक पीरियोडिक मैनर है, और जो प्रॉपर्टीज रिपीट हुई हैं वो हम अगर एक्सप्लेन करना चाहें कि एक खास ड्यूरेशन थी, उसके बाद जो एलिमेंट आया 8वें के बाद नौवां एलिमेंट आया, उसकी प्रॉपर्टीज पहले के साथ मैच हो रही थी, तो इस चीज को हम एटॉमिक नंबर के लिहाज से ही एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो हम ये बात कहते हैं कि इफ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, देयर केमिकल प्रॉपर्टीज रिपीट इन अ पीरियोडिक मैनर, के उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं पीरियोडिक मैनर में। और उसके बाद एक और इम्प्रूवमेंट ये की गई कि ग्रुप 8A इंट्रोड्यूस करवाया गया, जो कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में नहीं था। 8A ग्रुप वो है जो नोबल गैसेस वाला है, वो मेंडलीव ने इंट्रोड्यूस नहीं करवाया था। और उसके बाद एक और अरेंजमेंट, एक और इम्प्रूवमेंट जो कि की गई मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में, वो ये थी कि ब्रिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम एंड जिंक, कैडमियम, मरकरी वर प्लेस इन अ सिंगल ग्रुप। इन सब के आउटर शेल में दो दो इलेक्ट्रॉन ही हैं, तो इन सब को एक ही ग्रुप में उसने अरेंज कर दिया। तो जब इन सब को अरेंज एक ग्रुप में कर दिया तो हमें कंफ्यूजन ये थी कि इनकी प्रॉपर्टीज तो सेम नहीं है, तो अगर इनकी प्रॉपर्टीज सेम नहीं है तो ये ग्रुप में कैसे आ सकते हैं। तो पहले ये बात बताएगी कि इन एलिमेंट्स को क्या किया गया, प्लेस कर दिया गया इन अ सिंगल वर्टिकल ग्रुप, वाइल अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज के लिहाज से दे बिलोंग टू टू डिफरेंट कैटेगरीज। ये जो पहले वाले हैं ब्रेलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, ये एक कैटेगरी के हैं, जिंक, कैडमियम, मरकरी ये एक कैटेगरी के हैं, तो ये दो डिफरेंट कैटेगरीज से बिलोंग करते हैं। तो प्रॉपर्टीज तो ये बता रही हैं, लेकिन मेंडलीव ने उन्हें एक ही ग्रुप में अरेंज किया हुआ था, तो ये एक इम्प्रूवमेंट की गई। इस कंफ्यूजन को रिमूव किया गया, खत्म किया गया, कैसे? दिस कंफ्यूजन वॉज रिमूव्ड बाय डिवाइडिंग द एलिमेंट्स इंटू टू कैटेगरीज। हमने एलिमेंट्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया, ए कैटेगरी और बी कैटेगरी। जब आप पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो आपको उसके अंदर ग्रुप्स के नाम नजर आएंगे, 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, इसी तरह 1B, 2B, 3B। तो हमने उनकी कैटेगरीज बना दी, ए टाइप और बी टाइप। तो इस तरह जब हम कैटेगरीज बना दी हैं हमने ए और बी, तो ये कन्फ्यूजन भी खत्म कर दी गई। तो फिर उसके बाद हमने ये किया कि ब्रेलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम को हमने 2A ग्रुप में अरेंज कर दिया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, और जिंक, कैडमियम, मरकरी को हमने 2B में रख दिया क्योंकि इनके आउटर शेल में भी दो ही इलेक्ट्रॉन हैं, इस वजह से। तो हमने ये कैटेगरीज बना दी थी। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में बेसिकली तीन ज्यादा बेसिक इंप्रूवमेंट्स की गई। पहली इंप्रूवमेंट ये की गई कि हमने एलिमेंट्स को अरेंज किया अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था उसने एलिमेंट्स को अरेंज किया था अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मैसेस, हमने उसमें इंप्रूवमेंट करके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया तो हमने उसको अरेंज किया अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। दूसरी इंप्रूवमेंट, जो मेजर इंप्रूवमेंट है, वो ये है कि ग्रुप 8A वो इंट्रोड्यूस करवाया गया, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में वो नहीं था। तो ग्रुप 8A की एडिशन जो है ये दूसरी मेजर इंप्रूवमेंट है। तीसरी मेजर इंप्रूवमेंट ये है कि हमने एलिमेंट्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, ए और बी, जो कि पहले नहीं थी। तो व्हाट आर दी इंप्रूवमेंट्स मेड बाय मूजले इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, मूजले ने क्या इंप्रूवमेंट दी थी? तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो इस टॉपिक से बन सकता है। जो टॉपिक मैंने एक्सप्लेन किया, मैंने हर टॉपिक के हर पॉइंट के साथ साथ मेंशन किया हुआ है, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है या लॉन्ग आ सकता है। बेसिकली ये एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर, जैसा कि आपने पहले देखा उसके साथ लॉन्ग क्वेश्चन लिखा था, आ सकता है पेपर में। लेकिन अगर शॉर्ट आ जाए तो किस तरह का शॉर्ट आएगा? शॉर्ट में अगर आपसे पूछ ली जाए कि मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में क्या इंप्रूवमेंट की गई है, तो ये तीन आप इस तरह लिख सकते हैं, तो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए काफी है। इसी तरह मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में जो इंप्रूवमेंट्स आई गई हैं, इस पॉइंट में से अगर कोई शॉर्ट क्वेश्चन आए
तो वो इस तरह भी आ सकता है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि एच मूजले ने क्या जो है वो इम्प्रूवमेंट्स की थी। तो ये मैंने पहले सारी बातें एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि एच मूजले ने एटॉमिक नंबर फाइंड आउट किया था, उसने बताया मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बताया, उसने हमें ये बताया एटॉमिक नंबर इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टीज, फिर हम उसने हमें ये बात बताई कि एलिमेंट्स को हमें एटॉमिक नंबर के लिहाज से अरेंज करना चाहिए। तो फिर ये इम्प्रूवमेंट्स जो थी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के अंदर वो एच मूजले ने की थी। फिर उसके बाद एक और शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से बन सकता है कि जिंक कैडमियम मरकरी ये पहले अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के साथ जोड़ के रखे गए थे, फिर इनको अलहदा कर दिया गया, ये जो इनमें कंफ्यूजन थी उसको कैसे हमने दूर किया, उसको हमने दूर किया ए और बी कैटेगरीज बनाकर, फिर उसको हमने 2A और 2B में अलहदा अलहदा कर दिया, ये भी मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो ये तीन तरह के शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं इस टॉपिक में से, इसलिए मैंने उसको दोबारा से क्वेश्चन बना के और उनका रिस्पेक्टिव आंसर भी मेंशन कर दिया नीचे के ये क्वेश्चन है और उसके साथ इतना आंसर इसका बन सकता है। थैंक यू, जजाकल्ला, अल्लाह हाफिज, कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी डिस्कस करें।